आप सभी का स्वागत है और जिस उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य को जाने बगैर हमारा आगे का कार्यक्रम कैसे होगा, इसीलिए यहाँ वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे आपके समक्ष तो जो फैक्ट फाइंडिंग में पाए गए हैं, सच्चाई के तथ्य ढूंढ करके निकाले गए हैं और पीड़ितों के मुख से श्री मुख से निकली हुई बातें हैं, प्रत्यक्ष दर्शी जो वहाँ है ये सारे लोगों की बातें यहाँ लिखी गई की जो बातें हैं हमने जो यहाँ बैनर में लिखा है वो दिनांक 6 जून 2023 को ग्राम बाला छापर थाना और जिला जसपुर में रात्रि को विभाबाई और विभा के टिकटा हीरामणि बाई फूलवती विश्वकर्मा और सचिन राम को एक झूठे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की विस्तृत और सिलसिलेवार जानकारी निम्नानुसार है। यह कि विभा बाई उर्फ विभा केरकेट्टा पिता स्वर्गीय सोहन राम उम्र 23 वर्ष गांव बाला छापर स्कूल पारा थाना व जिला जसपुर के निवासी हैं। अपने पिता स्वर्गीय सोहन राम की मृत्यु के पश्चात बचपन से उसने अपने मामा दिनेश के यहाँ सुरजुला में रहकर एवं बाद में घाघरा में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दरमियान उसने स्वेच्छा से धर्म वाहन बनने के लिए जिद किया और निर्णय लिया कि वह कैथोलिक ईसाई रीति के अनुसार धर्म वाहन बन जाए। विगत 8 दिसंबर को 2022 को उन्होंने अपना प्रथम व्रत धारण किया। कलिसिया ईसाइयों में एक विशेष परंपरा यह प्रचलित है, न केवल कलिसिया और ईसाइयों में लेकिन अन्य के बीच भी, अगर कोई धर्म वाहन बन जाता है, किसी की शादी हो जाती है तो एक समारोह ऐसा आयोजित किया जाता है कि वो अपने घर में संपन्न हो। इसी के नाम से विवाह के घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस तरह के कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूजा प्रार्थना होती है और उसे हम पवित्र मिस्सा कहते हैं। उसके बाद व्रत लेने वाली धर्म वाहन के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम और सामूहिक भोज रखा गया था। ऐसे ही एक कार्यक्रम विवाह के घर के नाम में पैतृक गांव का बाला छापर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के लिए धर्म बने और विवाह बाई और विवाह क्रिकेटर के संबंधी एवं परिचित जन उपस्थित हुए। साथ ही गांव के कुछ लोग उत्सुकतावश कार्यक्रम देखने के लिए आए। एकत्र लोगों की संख्या लगभग 20-30 थी। लगभग 6 शाम को पवित्र मिस्सा हुआ। इसके लिए एक पुरोहित शांति भवन से आए थे। पवित्र मिस्सा के बाद विवाह के सम्मान और स्वागत में छोटा कार्यक्रम रखा गया। उपस्थित लोगों में कुछ लोगों ने वहां के समुदाय को संबोधित कर विवाह बाई को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। कुछ लोगों ने उसके चरित्र की प्रशंसा करते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। विभा ने अपनी ओर से बोलते हुए उपस्थित लोगों को अपना आभार प्रकट किया। उपरोक्त कार्यक्रम भक्तिमय एवं शांत माहौल में संपन्न हुआ। इसके बाद सबों के लिए भोजन परोसा गया और लोग अपने अपने घर वापस चले गए। अतिथियों के वहां से जाने के बाद लगभग 9 रात को कुछ लोग 2 फोर व्हीलर गाड़ी में और कुछ मोटरसाइकिल में उनके घर तक आ गए। ये बजरंग दल हिंदू वाहिनी और भाजपा के कार्यकर्ता थे जिसे न्यूज़पेपर ने भी प्रमाणित किया। इनकी संख्या लगभग 30-40 रही। इनमें से कुछ लोगों के नाम इस तरह के हैं: रायमुनि भगत जिला पंचायत अध्यक्ष जशपुर नगर, अरविंद भगत कृपा शंकर भगत भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, पप्पू ओझा पप्पू सिन्हा वेद प्रकाश तिवारी। उनके आने के बाद वहां निम्नानुसार घटनाएं घटी।
वे धर्मांतरण का आरोप लगाकर शोर मचाने लगे। उन्होंने सिस्टर विभा को उसके धर्म बहन के बारे में पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि उसने चंगाई प्रार्थना का आयोजन क्यों किया। उन्होंने विभा के मामा दिनेश को धमकी देते हुए कहा कि वह तो स्वयं ईसाई बन गया, अब क्यों दूसरों को ईसाई बना रहा है। उन्होंने उसे धमकियां भी दी और उनसे ऐसा करना छोड़ देने के लिए कहा और अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनके हाथ पांव तोड़ देंगे। उन्होंने यह भी धमकी दी कि उसे वे जान से मार देंगे। रायमुनि भगत ने, जो कि जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, विभाग की मां हीरामणि बाई का गला पकड़ा, उन्हें थप्पड़ मारी और उनके गले से हार माला, रोजरी माला पकड़कर छीन लिया, उसे छितरा दिया और फेंक दिया और अपमानित किया। रायमुनि भगत ने उसे धक्का मुक्की की। रायमुनि भगत ने ही सिस्टर विभा से सवाल किया कि उसने सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है, क्योंकि वह तो विधवाओं का ड्रेस है। उन सब में से सबों ने दिनेश पर यह आरोप ही लगाया कि वह पैसा लेकर ईसाई बना है और पैसे लेकर ही ईसाई धर्म का प्रचार करने यहाँ आया है। उन्होंने परिवार के राशन कार्ड छीन लिए और राशन कार्ड छीनने वालों में कोई और नहीं, रायमुनि भगत जिला पंचायत अध्यक्ष है। अभी तक उनके हाथ में राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह धमकी दिया कि सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं वे बंद कर देंगे, क्योंकि वे ईसाई बन गए हैं। उन लोगों ने परिवार के लोगों का नाम भी नोट कर लिया। उन लोगों ने वहां रखी बेटी पर जो सामाने थे उन्हें छितरा दिया और टेबल अभी तक गायब है, कहां है उनको पता नहीं। उन लोगों ने परिवार वालों से यह भी सवाल किया कि चंगाई प्रार्थना करने के लिए उन्होंने किससे परमिशन दिया है। इतना सब करने के बाद उन्होंने पुलिस को स्वयं बुला लिए। पुलिस उनके सामने ही उन्हें गिरफ्तार की और यह हुआ, पुलिस वहां 10 बजे रात के बाद, वहां कोई महिला पुलिस नहीं थी, लगभग 12 बजे रात्रि तक में पूरे परिवार के लोगों को पुलिस वाहन में बैठाकर जसपुर थाना तक लाया गया और उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। रात भर वे वहीं पड़े रहे। जब परिवार वाले रात्रि में लॉकअप में बंद थे तो बाहर वही लोग चक्कर लगाते हुए निगरानी कर रहे थे, जिन्होंने बाला छापर जाकर उद्धम मचाया। यहाँ याद रहे, आप सारे पुलिस बंधु यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नागरिक उपस्थित हैं, किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने के पहले गिरफ्तार करने का कोई कानून नहीं है। आपने कानून उल्लंघन किया और आज हम खुले मंच पर, जो रात में जाता है उसे आप बंद करके गाड़ी में ले आते हो, हम खुले में यहाँ पर बैठ करके अपनी बातें रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, आप और पहरा दे रहे हो, हमें आपके पहरेदारी की कोई जरूरत नहीं है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम ना कांड करते हैं और ना कांड करने को महत्व देते हैं। आप कांड भी कराते हो और पीड़ितों को उठा करके भी ले आते हो, ये कहां का न्याय हुआ? अगर वकालत करनी है तो आ जाओ सामने। खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती। अगर एक बार सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। अगर मेरे समाज के खिलाफ अगर कोई बोला, भगवान उसको छोड़ेगा नहीं, एक दिन दिखाएगा अपनी आकात, हमें दिखाएंगे। दूसरे दिन अर्थात 7 जून को ही भी परिवार के सदस्यों को पुलिस लॉकअप में ही रखा गया। उन्हें केवल लगभग 5 बजे शाम को ही मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया। विभाग के मामा दिनेश को अंधा होने के कारण बेल दे दिया गया, बाकी लोगों के लिए बेल नहीं दिया गया, लेकिन उनके बेल आवेदन पर सुनवाई करने के लिए
13 जून की तारीख ठहरा दी गई। उनमें निम्न व्यक्ति हैं, विभा किरकिट्टा, हीरामणि बाई जो विभा किरकिट्टा की माता जी हैं, फूलवती विश्वकर्मा जो उनकी मामी पर दर्ज करने का समय जून 6 शाम 8:55 का समय अंकित है। यदि यह उसी समय दर्ज हुआ तो पुलिस को उसके पश्चात बाला छापर जाकर विवेचना करनी चाहिए थी, लेकिन यह कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस उपद्रवियों को साथ लेकर गई, सारा कांड अपने सामने की करवाई और पीड़ितों को ही भर करके गाड़ी में ले आई। उन्होंने उनके सामने ही उत्पात मचाया। क्या पुलिस वालों में और उत्पात मचाने वालों में कहीं साठ गांठ या समझौता तो नहीं? इसके अलावा महिलाओं को गिरफ्तार करते समय भी कोई महिला पुलिस नहीं थी। सामान्य नियम तो कुर्ताक में रखकर महिलाओं को रात्रि में ही पुलिस बुलाए थाना ले जाया गया। अभी भी हमारी सुरक्षा या हमारी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस भी तैनात किए होंगे कहीं पर हमारे बंधु लोग। पूरे मामले में एफआईआर का एक दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो धाराएं इन पीड़ितों पर लगाई गई हैं एफआईआर में, वे दो धाराएं हैं, धारा 295 ए आईपीसी और धारा 193 ए आईपीसी। ये दोनों धाराएं किस लिए लगाई जाती हैं? वो ये है, इसमें जानबूझकर दुर्भावना कार्य करने के उद्देश्य से किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, तब धारा 295 ए लगता है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भावना बिगाड़ने की धारा 153 ए लगता है। आप ही बताइए मुझे, मैंने उपरोक्त सारी बातें कही, उसमें उपद्रवी क्या ये पीड़ित लोग थे? पीड़ित लोग थे तो ये धारा किनके ऊपर लगना चाहिए? आरोपियों के ऊपर लगना चाहिए ना। हाँ ठीक, लगेगा और लगाना पड़ेगा। जिन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है उनमें से किसी ने भी कहीं भी और कभी भी आपराधिक कार्य नहीं किया। उन्होंने अपनी निजी आस्था के अनुसार पूजा प्रार्थना की। उन्होंने तो धर्म या जाति के नाम पर किसी का नाम भी नहीं लिया और ये बिल्कुल लाचार एक अंधा था, बाकी सारी महिलाएं थी और इन पर इतनी बड़ी धाराएं लगाना अपने आप में सौहार्द बिगाड़ने वाली है, वैमनस्य फैलाने वाली है और किसी को टारगेट में लेकर के एक धर्म विशेष को आघात पहुंचाने वाली घटना है और इसके विपरीत घटनाक्रम से यह बात स्पष्ट हो गया है। अपराध तो वास्तव में उन लोगों ने ही किया जो 6 जून को रात्रि में आकर बाला छपर गाँव में उत्पात मचाए, चाहे वे द्रवी हो चाहे पुलिस। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में जो भी बातें हुई वह स्पष्ट है और इसलिए आवेदन डालने पर दिनांक 13 जून 2023 को शाम 5:30 विभा और उनके परिवारजनों को बेल दे दिया गया और वे अभी मुचलके में छुटे हुए हैं। आज मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अब बहुत हुआ। हमारे संविधान हमें समानता की बात कहती है, हमारे लिए धर्म की स्वतंत्रता की बात कहती है और कोई अपने धर्म बचाने के लिए उत्पात मचाता है और कोई धर्म अपमानने के लिए चुपचाप मौन साधन करता है और सारे जो सारे अत्याचार हैं उसको सहते जाता है। जरूर हमारे लिए एक संदेश है कि अभी बहुत कुछ हो गया और आगे नहीं होगा। हम सब अलर्ट हैं, हम अपने धर्म बचाने के लिए यह बीड़ा उठाए हैं। अभी तक हमने किसी पर हिंसा नहीं किया और न हमने किसी पर अत्याचार नहीं किया। हम शांतिप्रिय लोग हैं, आस्थागत लोग हैं, अपनी आस्था बचाने के लिए हम आज रोड पर आने को मजबूर हैं
हमें और ऐसा मजबूर न किया जाए। धन्यवाद।